नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों को पीड़ा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नाम है तुम्हारा? राजस्थान में। राजेश कहाँ रहते हो? रहता तो गाँव में, काम करने आया हूँ। कहाँ पर? श्याम पैकारी पे ठगी लगाई मैंने। किस चीज की लगाई? डी नाम घटाई। अच्छा, फिर ये हुआ क्या है तुम्हारे? इन्होंने बात की गई छोटे पंछी दे दो, मैं आया हूँ पहले पहले में दे दूँगा पट्टी काट गई हूँ। उनने कुछ ना पूछी, फिर बात कुछ गिरा गिरा के हाथ पाँच सब हिला दिए मेरे। तो ये किसने मारा पीटी करी थी तुम्हारे? आए थे पर्ची पट्टी जो काटते हैं वो। तो कब मारा पीटी करी है ये? कल कल की बात है। कल तो कल से अब तक तुमने पुलिस थाने नहीं गए? हमने थाना जाकर मुझे जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों द्वारा मारपीट की बात प्रकाश में आई है, थाने पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सत्यता के अनुरूप धन्यवाद। बहन जी, एक मामला सामने आया, किस तरीके का मामला है? देखिए, राकेश नाम का एक मजदूर व्यक्ति है जो कि रेड़ी लगाता है, और रेड़ी पर वो क्या बोलते हैं ये जो नाम खताई बेचता है। नवाब नाम का जो ठेकेदार है वो गुंडा, बहुत बड़ा गुंडा है, वो अपने आप को गुंडा समझता है और यहाँ अलीगढ़ में आकर के गुंडा ही करता है वो। उसने जबकि वो सीमा से बाहर ठेली लगा रहा है, और सीमा से बाहर ठेली लगाने पर उसका 500 रुपये का चालान काट दिया। उसने कहा कि अभी तो मेरी दुकानदारी भी नहीं हुई है, मैं इतना कहाँ से दे दूँगा, कैसे दे दूँगा। तो उसके लिए बुरी तरीके से मारा पीटा और उसकी ठेली फेंक दी, और इतना ही नहीं, उसका हाथ बिल्कुल अलग हो गया। भैया ना, हाथ बिल्कुल अलग हो गया है, मैं आपको फोटो देती हूँ उसका। बहुत बुरा हाल है, अभी डॉक्टरी मायने के लिए भेजा है उसके लिए। और इतना ही नहीं, उसका गल्ला पल्ला सब फेंक दिया, लूट लिया, सब कुछ कर लिया इन लोगों ने, और बेहोशी अवस्था में उसे छोड़ करके ये लोग गई है। तो सुबह बिचार पूरी रात उसने दर्द कैसे सहा है ये वो जानता है। गुंडों को लेकर के और सरियों से और डंडों से इस तरीके से मारना पीटना, तुम ठेकेदारी कर रहे हो या गुंडा ही कर रहे हो? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? हाँ, अब ये डॉक्टर मायने के लिए भेजा है, और नहीं होगी तो फिर वो देख ली जाएगी, डुंडाई हो जाएगी, गिरफ्तारी तो होगी उसकी। हम देखेंगे कैसे ठेकेदारी की आड़ में वो गुंडाई करता है, उसकी गुंडागर्दी की हम देखेंगे। एक गरीब आदमी को जिस पर खाने को पैसा नहीं है, और थाना अकराबाद की तरफ से वो गांव से आकर के यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है, ठेली लगा रहा है, और कुछ थोड़ा बहुत बेचारा 1500 रुपये कमाता पूरे डिवाइस में, वो उसका हो गया काम, हाथ बिल्कुल लटक गया है,